हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सीज अ क्वांटिटी एक्स इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी बाय डेल टी, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एल लेंथ, डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड डेल्टा टी इज टाइम इंटरवल। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्स इज द सेम एज दैट ऑफ। सर, आपने हमसे बोला जा रहा है कि एक्स इस तरीके से क्वांटिटी है कि उसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एल डेल वी बाय डेल टी। और यहाँ पे बोला जा रहा है एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, एल लेंथ है, डेल्टा में पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा टाइम इंटरवल हो। सो हम बताना है कि एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वेलेंट होगा आउट ऑफ दिस गिवन फोर ऑप्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चूंकि यहाँ पर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो हमें सभी क्वांटिटीज का डायमेंशनल नोटेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी, उसका फॉर्मूला हो जाता है एम इनवर्स एल माइनस थ्री टी फोर ए स्क्वायर। अब यहाँ पर एम क्या है? सो एम मास को इंडिकेट करेगा, एल लेंथ को इंडिकेट करता है, टी टाइम को इंडिकेट करता है, और ए एम्पियर यानी कि यूनिट ऑफ करंट को इंडिकेट करता है। दिस आर दी फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ डायमेंशन। उसी तरीके से यदि मैं डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल लिखूं यानी कि डेल्टा वी, सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू एम एल टू आई माइनस वन। सो बेसिकली आई नहीं यूज करेंगे हम, ए यूज करेंगे ना, एम्पियर माइनस वन एंड टी माइनस थ्री। फिर उस तरीके से थर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। उसी तरीके से यदि हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे फॉर टाइम, सो वो सिर्फ और सिर्फ टी के इक्वल आएगा क्योंकि एम भी जीरो होगा, ठीक है ना, और एल भी जीरो होगा। सो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर लेना है। तो चलिए फिर हम फाइनली देखते हैं फिर यहाँ से। तो सबसे पहले तो हम एक्स क्वांटिटी को रीराइट कर लेते हैं कि ये इक्वल्स टू है एप्सिलॉन नॉट एल डेल वी बाय डेल टी। ना यहाँ पर ये जो एल है ये बेसिकली लेंथ को इंडिकेट करता है, और लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। सो इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम वन एल जीरो टी जीरो, ठीक है। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी ध्यान में रखें। सो दिस विल बी इक्वल टू, सो सब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं कि एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू टी फोर ए टू मल्टीप्लाई। लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल जीरो टी जीरो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टू ए इनवर्स टी माइनस थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम जीरो टी वन और एल जीरो। अब देखिए ऊपर नीचे से एक बार जो टी है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या फिर डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा देखते हैं। सो देखिए ये एम इनवर्स है और ये भी एम है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। सो सिर्फ एक एम बच रहा है, फिर एल माइनस थ्री है, एल जीरो है, एल टू है, ठीक है। सो एल माइनस वन बच जाएगा, फिर टी फोर है, टी जीरो है, टी माइनस थ्री है, और नीचे एक टी है, ठीक है। सो यानी टी जीरो हो जाएगा। फिर क्या बच रहा है? तो भाई एल ए का इज टू, ए का माइनस वन, यानी कि ए वन बच जाएगा। अब यदि मैं इस डायमेंशनल फॉर्मूले को देखूं, ठीक है, सो ये बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला होता है किसका? करंट का। दिस इज नथिंग बट बेसिक डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एम्पियर पर लेंथ इसको इंडिकेट कर रहा है। सॉरी डू वन करेक्शन हियर,
बेसिकली एम 0 आएगा और एल भी 0 आएगा, कैसे? यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती की है, लेंथ है सो लेंथ के लिए एल होगा ना, यहाँ पर एल 1 होगा और एम 0 होगा, तो इसके अकॉर्डिंग एम 0 हो जाएगा, ठीक है, और एल भी 0 हो जाएगा, सो ओनली क्या बचेगा, एम्पियर। और एम्पियर ये किसकी यूनिट है, करंट की, दैट इज वाई यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, करंट। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स है अननोन क्वांटिटी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, दैट इज वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।